हेलो चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू असाइनमेंट ऑफ हिंदी शो लेट्स बिगिन प्रश्न निम्मत लिखित वाक्य कौन बोलता है लिखिए निम्मत लिखित वाक्य कौन बोलता है लिखिए बी वाक्य कौन बोलता है उसको लिखना है आपको के वाक्य कौन बोलता है जैसे वन नंबर में आपको दिया हुआ है मैं सफाई से दूर भागती हूँ मैं सफाई से दूर भागती हूँ तो मक्खी कौन बोलता है मक्खी बोलती है कि मैं सफाई से दूर भागती हूँ टू नंबर गंदी चीजें मुझे बहुत पसंद है गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है वो कौन बोलता है मक्खी क्योंकि मक्खी को यहाँ पे गंद गंदगी होती है वहाँ पे मक्खी ज़्यादा होती है तो उसको गंदगी ज़्यादा पसंद है और सफाई होती है वहाँ पे मक्खी नहीं होती तो इसमें पहले बार सेंटेंस में आपको पूरा वाक्य दिया हुआ है कि मैं सफाई से दूर भागती हूँ तो मक्खी नंबर में आपको दिया है गंदी चीजें मुझे बहुत पसंद है तो वो भी मक्खी बोलती है थ्री नंबर आजकल तेरा भाव बढ़ गया है आजकल तेरा भाव बढ़ गया है कौन बोलता है टोपी आजकल तेरा भाव बढ़ गया है टोपी फोर नंबर मेरे कारण मिट्टी किचड़ में भी पाव गंदे नहीं होते हैं। कौन बोलता है जूता जूता है वो को बताता है कि मेरे कारण मिट्टी में भी पाव गंदे नहीं होते जूता मेरे कारण मिट्टी किचड़ में भी पाव गंदे नहीं होते जूता बोलता है फाइव नंबर में दिया है देखो देख लो सड़क पर चलने लोगों को किसको बोलता है वो टोपी को कहता है कि देख लो सड़क पर चलते लोगों को तुम देख लो ऐसे वो टोपी को कहता है जूता कि सब के सबके पैर में क्या होता है जूता होता है तो वो बोलता है के देख लो सड़क पर चलते लोगों को देख लो वो जूता है वो टोपी को कहता है नंबर मेरी सूंड लंबी है कौन कहता है हाथी मेरी सूंड लंबी है हाथी कहता है सेवन नंबर तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है कौन बोलता है जूता इसको बोलता है टोपी को कहता है कि तू सिर पर न हो तो भी आदमी का काम चलता है जूता कहता है मैं कुकु की आवाज लगाती हूँ मैं कुकु की आवाज लगाती हूँ कौन बोलता है कि मैं कुकु की आवाज लगाती हूँ कोयल कोयल होती है वो कुकु बोलती है तो बोलते हैं कि मैं कुकु की आवाज लगाती हूँ तो कोयल नाइन नंबर लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। कौन कहता है शी शी कहता है कि लोग मुझे जंगल का राजा कहके बुलाते हैं यू तेन नंबर मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है बाघ तो मैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कहता है अभी देखो मैंने सामने आपको आंसर्स लिखे है आपको इधर उत्तर भी दिए हुए हैं नीचे यहाँ पे सेंटेंस पूरा होते है वहां नीचे उत्तर दिए है मैंने सामने भी आपको लिख के बताया हुआ है मैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कहता है कौन कहता है बाघ अभी दिया है स्वर हिंदी में लिखिए पहले अपने व्यंजन लिखे थे अभी ये स्वर लिया है ये स्वर को हिंदी में लिखिए इंग्लिश में दिए है आपको इसको हिंदी में लिखना है अ तो ये हिंदी में लिखा हुआ है औ, औ हिंदी में लिखा है आपको आ डबल ए बताए है तो आ, ए एक बताया है अ दो है आने कानो आ तो आई है तो ई होगा आई का ई डबल ओ डबल ओ रू रुषु रू ऊ रुषु यू तो ऊ उ। यू उ। ए और आई અનેક માત્ર આઈ ઓ અને કાનો માત્ર ઓ અને કાનો માત્ર ઓ ઔ અને કાનો બે માત્ર ઔ અને કાનો બે માત્ર ઔ અમ અને અનુસ્વાર અમ અને અનુસ્વાર અમ અહ अन विशे अह विसर्ग अह लिखा है अ आ, आ, अम, उ अभी नीचे दिए है आपको कोष्टक में से कोष्टक में से चुनकर सब्जियों बर्तनों के चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए अभी आपको कोष्टक में चित्र दिए सब्जी और बर्तन के इसके सब्जी और बर्तन के अभी आपको ब्रैकेट के अंदर उसके नाम लिए हैं ब्रैकेट के अंदर उसके नाम दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है कि उसके नीचे उसका नाम लिखना है जैसे ये बेलन दिया है टमाटर भिंडी पत्ता गोभी कटोरी शर्णसी फूल गोभी चाकू गाजर चूल्हा मटर चिमटा अभी वन नंबर में आपको जो पिक्चर बताया हुआ है चित्र दिया है उसमें तो ये है भिंडी वो सब्जी है भिंडी तो हम नीचे उसका नाम लिखेंगे उसमें से देख के भिंडी है क्या है वो भिंडी दूसरे में आपको दिया है फूल गोभी क्या है फूल गोभी फूल गोभी फूल गोभी का नाम लिखेंगे इसमें आपको है मटर मटर क्या लिखेंगे मटर टमाटर दिया है टमाटर तो क्या लिखना है टमाटर अभी फर्स्ट में है भिंडी दूसरे में है तीसरे में आपको दिया है मटर फोर में है टमाटर सब सब्जी के नाम दिए हुए इसमें अभी ये ये सब्जी आपको दी है पत्ता गोभी पत्ता गोभी दिया है गाजर गाजर शंडसी, चिमटा चिमटा चाकू चाकू कटोरी कटोरी ये बेलन चूल्हा ये दो सब्जी है और ये है वो बर्तन के नाम है जैसे सरसी चिमटा चाकू कटोरी बेलन चूल्हा ये सब क्या है बर्तनों के नाम दिए किसके बर्तनों के हिंदी शब्दों के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए हिंदी शब्द के सामने अंग्रेजी शब्द लिखिए आपको हिंदी वर्ड्स दिया है उसके सामने इंग्लिश वर्ड्स लिखना है कौन सा वर्ड लिखेंगे इंग्लिश वन नंबर है बर्तन बर्तन इंग्लिस vessels, vessels, में लिखेंगे वीई डबल एस ई एल वेसल्स वीई डबल एस ई एल वेसल्स टू नंबर सचमुच सचमुच यानि रियली सचमुच रियली रियल की स्पेलिंग दिए आर ई ए डबल एल वाई रियली आर ई ए डबल एल वाई रियली थ्री नंबर हरा हरा ग्रीन हरा यानी ग्रीन ग्रीन की स्पेलिंग है जी आर डबल ई एन ग्रीन ग्रीन की स्पेलिंग क्या है जी आर डबल ई एन ग्रीन फोन नंबर नीला 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 यानी ब्लू नीला मतलब ब्लू ब्लू कलर तो बी एल यू ब्लू

मक्की बी चिलका रिंड आरायंडी रिंड छिलका रिंड टोकरी बास्केट टोकरी बास्केट बी ए एस के ई टी बास्केट बी ए एस के ई टी बास्केट टोकरी बास्केट नाइन नंबर परिवार फैमिली परिवार फैमिली फैमिली की है एफ ए डबल एम आई एल वाई फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फैमिली एफे एम आई एल आई फेमिली किछड़ाफ बछड़ा कोल्फ सी एल्फे कॉल्फ सी एलफे कोल्फ आईना मिरोर आईना मिरोर एम आई डबल आर ओ डबलू मिरोर आई नई डबल आर ओ आर एम आई डबल आर ओ आर मिरोर थर्टीन नंबर प्याज ट्रस्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट। टी एच आई आर एस टी ट्रस्ट सिर्फ ओनली सिर्फ O ओ एन Y ट्रस्ट प्यास ट्रिस्ट सिर्फ ओनली उपहार गिफ्ट गिफ्ट स्पेलिंग है जी आई एफ टी गिफ्ट जी आई एफ टी गिफ्ट

नी गुडनाकनी के एन डबल ई नी के एन डबल ई नी, नी बेडिया वॉल्व बेडिया वॉल्व डब्ल्यू ओ एल एफ वॉल्व डब्ल्यू ओ एल एफ वॉल्व सूरत फेस सूरत एफ ए सी ई फेस पहले में टेस्ट ऑनली गिफ्ट लिप एंकल वॉल फेस अभी आपको नीचे भी उसके उत्तर दिए हुए है ये सब उसके उत्तर है नीचे दिए है वो उचित जोड़ मिलाइए उचित जोड़ मिलाइए और दिया है उत्तर और ब दिया है आपको अभी फर्स्ट में है रैबिट, रैबिट, शिप वॉल्फ बियर रेबिट की स्पेलिंग आर ए डबल बी आई टी रेबिडी सिप वॉल्व डब्ल्यू एल पी और बी आर बी बी एयर अभी इसमें से आपको उचित जोड़ इसमें हिंदी में दिए है इंग्लिश में है तो इसमें से रैबिट को हिंदी, हिंदी में क्या बोलेंगे खरगोश रैबिट को खरगोश बोलेंगे तो रैबिट के सामने हम खरगोश लिखेंगे सिप सिप को क्या बोलते हैं हिंदी में बैंड सिप यानी बैंड तो बैंड लिखेंगे अब इधर आपको दिया है वॉल्फ वॉल्फ यानी भेंडिया भेंडिया लिखी है बियर बालू बियर यानी बालू बियर बालू पहले में रैबिट खरगोश शिप पेंड वॉल्फ पेंडिया बियर बालू वन नंबर हैंड सीर एंड एच ई डी हेड डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट थ्री नंबर प्लम पी ए एल एम प्लम डब्ल्यू आर आई एस टी वेस्ट वेरिस्ट अब इसमें के हेड यानी सिर यानी कमर कमर यानी हथेली यानी कलाई भी आपको इसमें नाम लिखे हैं शीर कमर हथेली कलाई कलाई अभी नीचे आपको दिया हुआ है लोटस लोटस जासमीन एप्पल गुवा गोवा अभी लोटस की किस पेलिंगे एलो टी यू एस लोटस एलो टी यू एस लोटस जासमीन जे ए एस एम आई एनि जामिन जे ए एस एम आईनी जासमीन एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल गोवा जी ए जी यू ए वी ए गोवा जी यू ए वी ए गोवा अभी लोटस को हम इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे कमल लोटस कमल जासमीन बेला जासमीन बेला एप्पल सेब एप्पल सेब गुवा अमरुद गुवा अमरुद अभी इसमें आपको दिया है टंग्स टंग्स राइस कड शॉल्ट टंग्स, टंग्स स्पेलिंग है टी ओ एन जी एस टंग्स T-O-N-G-S tongues. Rice, R -I -C -E, R-I-C-E, rice. R-I-C-E, rice. Curd, C-U-R-D, curd. C-U-R-D, curd. Salt, S-A-L-T, salt. अभी टंग्स को चिमटा बोलेंगे क्या बोलेंगे हिंदी में चिमटा राइस चावल राइस चावल कर्ड दही दही नमक नमक ही चिमटा राइस चावल निम्न लिखित वाक्य सुंदर अक्षर में लिखिए वन नंबर गोपाल मेरा अच्छा मित्र है गोपाल मेरा अच्छा मित्र है टू नंबर बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं थ्री नंबर घोड़ा सवारी के काम आता है घोड़ा सवारी के काम आता है फोर नंबर गधा बोझ तोता है गधा बोझा तोता है फाइव नंबर कोयल को आम का पेड़ बहुत प्रिय है कोयल को आम का पेड़ बहुत प्रिय है छ नंबर टोपी सिर पर रहती है टोपी सिर पर रहती है सेवन नंबर गाय दुधारू जानवर है दुधारी यानी दूध देने वाला गाय दुधारू जानवर है गाय कैसा जानवर है दूध देने वाला एट नंबर मक्खी सफाई से दूर भागती है मक्खी सफाई से दूर भागती है नाइन नंबर पानी नहीं तो कुछ भी नहीं पानी नहीं तो कुछ भी नहीं टेन नंबर डाकिया हम सबका मित्र है डाकिया हम सबका मित्र है। इलेवन नंबर हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए समझ गए? गएके okay,